यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट का हमला, ब्रेक करिए। रूसी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी। पियोन जो इनका एक हॉबजियर का रूप है उससे 24 घंटे में 30 बार की गई शेलिंग, ये देखिए बाप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी ड्रोन ने तबाह किया आर्टिलरी सिस्टम, ब्रेक करिए विद द विजुअल। अमेरिका से मिला आर्टिलरी सिस्टम नष्ट हो गया, विद द विजुअल दिखाइए जरा। लैंसेट ड्रोन से किया गया हमला, ये तस्वीर देखिए बाप। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर बेलारूस को लेकर अमेरिका की एडवाइजरी, ब्रेक करिए। बहुत बड़ी खबर है, अमेरिकी नागरिकों से बेलारूस छोड़ने की अपील। पोलैंड या रूस के रास्ते नहीं आने की सलाह, लैटविया या लिथुआनिया बॉर्डर से आने की अपील। बेलारूस नेटो के बीच चरम पर टेंशन, राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर है बेलारूस को लेकर, आज की ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधा आइए, अमेरिका ने एडवाइजरी दे दी है कि बेलारूस खाली करो। बेलारूस के शॉर्ट दिखाइए प्लीज जरा। बेलारूस से महायुद्ध, अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत बेलारूस खाली करने को कहा है, दिखाइए। यह जानकारी आ रही है मिंस्क में मौजूद अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी किया गया नोटिस, यह जानकारी आ रही है। फिर इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लीज मैं चाहूंगा इसमें जरा तुरंत शॉर्ट चेंज करवाइए। यहां पर जो जानकारी आ रही है, बेलारूस छोड़ने के लिए पोलैंड या रूस का रास्ता नहीं अपनाने की सलाह दी गई है, ये जानकारी है। बेलारूस की सीमा से लगे यूरोपीय देशों के बॉर्डर बंद हो रहे हैं, लिथुआनिया ने भी अपने नागरिकों से बेलारूस जाने को कहा है। बिग वॉल, सवाल देखिए आइए, सवाल यह है क्या बेलारूस में जंग होकर रहेगी, ये सवाल है। नेक्स्ट दिखाइए, क्या बेलारूस से हमले की कोई इंटेलिजेंस है, नेक्स्ट दिखाइए। क्या पोलैंड यूक्रेन पर बेलारूस का कोई अटैक प्लान है, नेक्स्ट दिखाइए। जो हमारे पास है, क्या बेलारूस से रूस बड़े हमले का प्लान कर रहा है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, F-16 विमानों से रूस को नहीं है कोई बड़ा खतरा, ब्रेक करिए विद द विजुअल। युद्ध जीतने के लिए F-16 नाकाफी है, यूक्रेन को चाहिए 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता का बड़ा बयान, आसमानी जंग में बढ़त के लिए चाहिए 128 फाइटर जेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, F-16 की डिलीवरी पर रूस की चेतावनी, ब्रेक करिए। यूक्रेन को F-16 मिलने पर और भड़केगा युद्ध, विद द विजुअल। यूक्रेन को युद्ध में धकेल रहे हैं पश्चिमी देश। शांति की बात करने वाले युद्ध चाहते हैं, डेनमार्क में रूस के राजदूत की चेतावनी। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेन के लिए विनाशक F-16, यह जानकारी आ रही है। F-16 मिलने पर युद्ध और विनाशक साबित होगा, तेजी से आई है PCR, यहां पर बड़ी खबर है, यूक्रेन के लिए विनाशक F-16, यह जानकारी आ रही है। F-16 मिलने पर युद्ध और विनाशक साबित होगा, पीछे स्काई कर दीजिए यहां पर। F-16 मिलने पर यूक्रेन युद्ध जारी रखने पर मजबूर होगा, ये F-16 में ऐसे भड़केगा युद्ध। सीधा ये चेंज करिए इस खबर को, राहुल ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए आप, बेलारूस और F-16। सीधे सिन्हा सर के पास चलिए, सिन्हा सर पूरी जानकारी मुझे बताइए, बेलारूस खाली करो और F-16 मिल रहे हैं, क्या नेटो वर्सेस रशिया होने जा रहा है सर, ऐसा लग रहा है? देखिए यदि ये इस साल ये नहीं रुकता है और रशिया अपना विंटर ऑफेंसिव करता है तो ये मान के चलिए कि नेटो वर्सेस यूरोप या रशिया तो होगा ही, क्योंकि उस हालात में कि जो काउंटर ऑफेंसिव आएगा जो हमारे ख्याल से पहले आना चाहिए था, मगर वो अब रशिया मेरे विंटर में डालेगा। जब विंटर में डालेगा तो कीप तो गया, आप हर एक बार बात करते हैं कि किस तरह से, क्योंकि इवन मेरा में ये मानना है जो वैगनर है 40 किलोमीटर में 1000 उनके सैनिक जो हैं, यदि आप देखेंगे ओची पे अभी जो उनकी कैंप है वहां से भी वो आगे आ गए जो कि कीप की तरफ जाता है, तो ये खुलेगा। और जो बैटल ग्रुप है जो वेस्टर्न वेस्टर्न बैटल ग्रुप 180,000 जो उन्होंने किया था सैनिक के साथ और उसमें अर्माडा टैंक्स लगे हैं उसके साथ, वो जो खोल रहा है ना कुप्यांस से वो खार्किव सुमी चढ़ने, लेकिन मेरा मानना है।